हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। संशोधित नागरिकता कानून पर बीजेपी का जागरूकता अभियान जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को लखनऊ में थे, जहां उन्होंने नए कानून के समर्थन में एक रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने साफ कहा कि CAA नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि देने का कानून है। उन्होंने कहा कि कोई कितना भी विरोध करे लेकिन CAA वापस नहीं होने वाला है। ये मेरे सिख भाई, हिंदू भाई, बौद्ध भाई जो वहां से भाग कर आए, उनको नागरिकता देने का ये कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और मैं आज लखनऊ की भूमि से लंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। शाह ने विपक्षी दलों को CAA पर बहस की चुनौती भी दी और कहा कि 1.5 साल पहले राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पाकिस्तान से आए हिंदू और सिखों को नागरिकता देने की बात कह रही थी और आज उसी का विरोध कर रही है। राजस्थान में चुनाव हुआ, राजस्थान का घोषणा पत्र आप निकाल कर देख लीजिए, घोषणा पत्र की कलम 34 में लिखा है, पाकिस्तान से आए हुए सिख और हिंदू को हम नागरिकता देंगे। जब आप कर रहे हो तो बराबर है, तो मोदी जी कर रहे हैं तो विरोध करना है। गृहमंत्री ने कहा कि CAA की कोई भी धारा किसी मुसलमान की या फिर देश के किसी भी बाशिंदे की नागरिकता नहीं लेती है। अमित शाह ने कहा कि बंटवारे के वक्त पूर्वी पाकिस्तान में 30% और पश्चिमी पाकिस्तान में 23% हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन थे, मगर वहां अब वे सिर्फ 7% और 3% ही रह गए हैं। बाकियों को या तो मार दिया गया या उनका धर्म परिवर्तन किया गया या फिर भारत आकर उन्होंने शरण ली। शाह ने दावा किया कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मौलाना आजाद और सरदार पटेल ने भी बंटवारे के बाद पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं, सिखों आदि को भारत की नागरिकता देने की हिमायत की थी, मगर कांग्रेस अब इस पर ध्यान नहीं दे रही है, वो वोट बैंक के लालच में अंधी हो गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दलित बंगालियों को नागरिकता देने की मांग कर रही थी, अब CAA के जरिए उन्हें नागरिकता मिल रही है तो भी उन्हें परेशानी है। मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूँ, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। लखनऊ की रैली में गृहमंत्री ने डंके की चोट पर कहा, चाहे जो हो जाए, जिसे जो करना है करे, लेकिन नागरिकता कानून वापस नहीं लेंगे। मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूँ, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। नागरिकता कानून की ABCD समझाने पहुँचे केंद्रीय गृह मंत्री यूपी की राजधानी लखनऊ पहुँचे तो भारी भीड़ देखकर गदगद हो गए। उन्होंने लोगों को जिगर का टुकड़ा कहा, उन पर दुलार बरसाया। इस सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, फिर गृह मंत्री के विरोध में आवाज बुलंद करने वालों की तरफ मुखातिब हुए। फिर तो ना नेहरू को बख्शा ना राहुल गांधी को। राहुल बाबा कहते हैं एयर स्ट्राइक का सबूत लाओ, इमरान खान भी कहता है एयर स्ट्राइक का सबूत लाओ, इमरान खान कहते हैं CAA नहीं होना चाहिए, राहुल बाबा कहते हैं CAA नहीं होना चाहिए, इमरान खान कहते हैं धारा 370 मत हटाओ, राहुल बाबा कहते हैं धारा 370 मत हटाओ। मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ता कि इन लोगों और इमरान खान के बीच में संबंध क्या है, दोनों की भाषा क्यों है। मुझे बताओ, मैं जनता को पूछने आया हूं, जो भारत माता के 1000 टुकड़े करने की बात करे उसको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? मोदी जी ने उनको जेल में डाला और ये अखिलेश, मायावती, राहुल एंड कंपनी कह रही है ये वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। अखिलेश बाबू सुन लो, हमें जितनी गालियां देनी है दो, हमारी पार्टी को जितनी गालियां देनी है दो, मगर भारत माता के खिलाफ इस देश में नारे लगे तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष ने अब तक केवल वोट बैंक के लिए देश की कीमत पर राजनीति की है। कांग्रेस नहीं कर पाई, अन्य विपक्षी दलों को मौका मिला, उन्होंने वोट बैंक तलाश करके देश की कीमत पर राजनीति करना, उनका स्वयं का युग धर्म बन गया था। लेकिन पहली बार देश सर्वोपरि है और देश की कीमत पर किसी प्रकार की राजनीति स्वीकार नहीं। गृहमंत्री ने रैली में मौजूद लोगों से अपने मोबाइल फोन पर एक नंबर डायल करने को कहा और बताया कि उस नंबर पर मिस कॉल करने से सीए के प्रति आपका समर्थन दर्ज हो गया है। गौरतलब है कि संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद संशोधित नागरिकता कानून अब लागू हो चुका है।